लेकर आए जरूर था, बट जो भी है काफी कमाल का काउंटर निकाला था। बट इस गेम में देखिए टीम सोल तो अभी के लिए है नहीं यहाँ पर, बट गॉड लाइक सामने चैलेंज के लिए केविन ईस्पोर्ट्स नॉकआउट देखने को मिलेगा यहाँ पर केविन ईस्पोर्ट्स के प्लेयर एस का। लेकिन बाकी खिलाड़ी कहां पर है, के खिलाड़ी कहां पर है, वन प्लेयर कहां पर है, उनको आना पड़ेगा रिटेलिएशन के लिए, कोशिश करनी पड़ेगी। बट शैडो इनका रिवाइवल बहुत जरूरी है और फिलहाल के लिए दोनों बदला लेते हुए गाड़ी से कुचल के, जी हाँ प्लेयर थ्री को तीसरा फ्रैग। आपने बताया यहाँ पर क्रीम गॉड लाइक का, तो जी हाँ एक खिलाड़ी को अंदर भेज जाए, कुछ खिलाड़ी बाहर से यहाँ पर खेला जॉनसन ने वहां पर जोकर, मेरे ख्याल से बना था फेवरेट वेपन उनका यहाँ पर हथियार, अभी भी एओजी मुझे देखने को मिल जाएगा। और क्लोज विसिटी में जितने भी प्लेयर है कोशिश जरूर करें, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने भी काफी लेट रोटेशन किया है यहाँ पर, लेकिन गॉल्स एंड रॉबिन कैसे आ पाएंगे, क्या हील अप करने वाले हैं, मुझे लग रहा है शायद सेकेंडरी ऑप्शन जी हाँ देखने को मिलता रहेगा। टॉप फाइव में अब हमारे सामने ये टीम देखने को मिल जाएगी, बट अभी के लिए एक नॉकआउट यहाँ पर कहीं बैकफुट में धकेल दे रही है टीम माइनस, शायद खतरे घंटी जरूर बच सकते हैं। लेकिन जीनो एक और स्प्रेड डैमेज आ गया, एक और मोल्टा आ गया, तो बचना काफी मुश्किल है। लेकिन मैं काफी हैरान था कि यहां पर कैसे बच गए, और कि लेकिन एक साथ वो जो टीम वर्क दिखाया गया टीम गॉडला के द्वारा वो बेहतर मूव इनके द्वारा, लेकिन अभी भी इनसे देखिए टॉप 3 में जरूर आ चुके, लेकिन खतरा किससे है, टीम गॉडला को हो सकता है ग्लोबल ईस्पोर्ट्स से। बिल्कुल सही कहा यहाँ पे, हालांकि जीगॉट का ग्रेनेड लगा तो था डिसीवर को, लेकिन डिसीवर ने भी जीगॉट को डाउन किया। अगर यहाँ पे डिसीवर की जगह रिसीवर बच जाते हैं तो काफी अच्छा फायदा हो सकता है ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के पास, एडवांटेज है। एंड देयर वी गो जॉनसन का स्प्रे फ्रूट जूस को टेक डाउन करते हुए जीगॉट का फाइनल थ्री टीम्स, एंड देयर वी गो टीम गॉट लाइक लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, बट ऑन द अदर साइड वी हैव टीम एनिमा फॉरएवर वर्सेस टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स। गॉट लाइक के लिए ये एक अच्छी खबर है, तो सामने की टीम विरोधी टीम भिड़ चुकी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आता हुआ रिसीवर प्लेस ने नेक्सस को टेक डाउन कर दिया, फ्रूट जूस इज आल्सो डाउन, रिसीवर एंड स्लग फ्रॉम द साइड ऑफ ग्लोबल ईस्पोर्ट्स, स्लग इज at the lowest of HP and Slug gets down as well, deceiver player being the last man standing, and is it going to be the most awaited team winner chicken dinner, and it seems like it is indeed going to be the most awaited winner with a chicken dinner. लेकिन मैं यही कहूंगा कि अभी भी ओके 10 ने इस माय बैड, तो जी हाँ डिफरेंस इतना ही कुछ चल रहा था, काफी हैरान था, शायद हैरान शायद आप भी थे यहाँ पर इनसे, क्योंकि पहला जो फाइट होने वाली थी ओवेस यानी टीम एनी उस स्थान पर अंकों का फासला करे 11 अंकों का फासला है, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी उनको, 78 पॉइंट्स एंड टीम गॉड्स रेम 78 पॉइंट्स एज वेल, 15वें पायदान पे टीम 7C ई स्पोर्ट्स 77 पॉइंट के साथ 16